अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरशद एल टी वी देख रहे हैं। आज की मेडिसिन बहुत ही अहम मेडिसिन है, ये एक एमरजेंसी मेडिसिन है और हर घर की ज़रूरत है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बगैर होम्योपैथिक नामुकम्मल है। 90% अद्वियात के असर को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, यानी होम्योपैथिक की मेडिसिन को इस्तेमाल कर लियो, उसे कोई साइड इफ़ेक्ट आ गया तो उसके असरात को ख़त्म करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है, कैम्फर या कैम्फोरा। एक बात ज़हन में रखें, जहाँ कहीं भी जिस्म बर्फ़ की मानद ठंडा हो जाए, ठंडे चिपचिपे पसीने, ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हालत नज़ा जैसी हो जाए, यानी जैसे बंदा मरने के करीब होता है, तो ये वक्त है कैम्फर देने का। 30 ताकत 15 15 मिनट के वक्फे से आप 3 4 दफ़ा दें, फिर इस मेडिसिन का कमाल देखें। नंबर 2, ऐसा मरीज़ जो सर्दी और ठंडक से बहुत ज़्यादा जिकियलेस हो, उसके जिस्म की दर्दें बढ़ जाएं, तो ऐसे मरीज़ भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 3, ज़ुकाम की इब्तदाई दर्जे की ज़बरदस्त मेडिसिन है, यानी ज़ुकाम का जो इब्तदाई दर्जा होता है, जब सर्दी लग रही हो और छींकें शुरू हो जाएं, तो इसकी चंद खुराकें बंदे को नॉर्मल कर देंगी। नंबर 4, अचानक सदमा या बुरी खबर से जो जिस्म की हालत होती है, यानी जिस्म ठंडा, ठंडे पसीने, चक्कर, ब्लड प्रेशर लो वगैरह, ये सब इसकी अलामतें हैं। जब ये अलामतें हों तो आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 5, याद रखें, मौसम की अचानक तब्दीली से जो नज़ला ज़ुकाम लगता है, उसकी भी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। नंबर 6, याद रखें, गुम हैज़ा की बहुत ही आला दर्जे की ये मेडिसिन है। गुम हैज़ा हो जाता है ना, तो उसकी भी ये बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। और ऐसा बुखार, नंबर 7, ऐसा बुखार जिसमें जिस्म गर्म नहीं होता बल्कि जिस्म ठंडा होता है लेकिन बुखार होता है, ऐसे बुखार के लिए भी बहुत कमाल की मेडिसिन है। और याद रखें, नंबर 8, अगर किसी को बग़ैर किसी वजह से पेशाब देर से उतरता हो, यानी पेशाब करने के लिए बंदा बैठता है तो पेशाब थोड़ी देर के बाद आता है, तो ऐसे मरीज़ के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। नंबर 9, किसी की ख्वाहिश जमा कम हो गई हो, यानी जमा करने की ख्वाहिश कम हो जाए, उधर ध्यान ना जाए, तो उसको बढ़ाने के लिए भी ये मेडिसिन इस्तेमाल की जा सकती है। और नंबर 10, सुजा की वजह से अगर उज़्वे तनासल टेढ़ा हो जाए, सुजा की वजह से, तो उसके लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है ये कैम्फर या कम्फोरा। आप पाकिस्तानी ले लें या जर्मन की, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 30 ताकत ले लें, सुबह दोपहर शाम दो दो कतरे 8 8 घंटे बाद इस्तेमाल करें, और जब बेहतरी आ जाए तो सुबह शाम कर दें। मज़ीद अगर कोई किसी की रहनुमाई चाहिए किसी को मेरी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।